अल्टरनेटिव करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जिसको कॉस फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई फेज एंगल, बट कॉस फाई पावर फैक्टर। ध्यान रखना, पावर फैक्टर को कॉस फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज का टॉपिक है पावर फैक्टर। बट पावर फैक्टर को स्टार्ट करने के पहले अपने को दो चीज डिस्कस करना पड़ेगा, व्हाट इज रियल पावर जिसको मैं ट्रू पावर भी बोलता हूं, और सेकंड है व्हाट इज वर्चुअल पावर जिसको अपन अपेरेंट पावर भी बोलते हैं। ये दो पावर को डिस्कस करना पड़ेगा। तो क्या होता है देखते हैं बच्चों, ट्रू पावर, ये दो चीज को डिस्कस करेंगे। ट्रू पावर जिसको अपन रियल पावर भी बोलते हैं, क्या होता है अपेरेंट पावर, ट्रू पावर, रियल पावर, जो कुछ काम करता है, जो कोई सर्किट पे कुछ काम करता है, which does some work on the system, ठीक, और जिसकी एवरेज वैल्यू जीरो नहीं होती है, जिसकी एवरेज वैल्यू जीरो नहीं होती है, वो होता है ट्रू पावर और रियल पावर। तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना होगा कि एवरेज वैल्यू जीरो नहीं होती है, इसका मतलब वो कौन सा सर्किट हो गया, वो हो गया एसी कंटेनिंग कौन सा रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स एसी में, तो एवरेज पावर जीरो नहीं होता है, कितना होता है ERMS into IRMS, ठीक है। एसी कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली में, ठीक है, एसी कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली में एवरेज पावर ERMS into IRMS होता है, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है कोई भी कंडीशन में, ठीक। और एक और कौन सा पावर है, सेकंड पावर का नाम है आपका अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर या जिसको वर्चुअल पावर बोलते हैं, वर्चुअल पावर क्या होता है बच्चों, जो सिर्फ दिखने का पावर है बट उसकी ओवरऑल एवरेज वैल्यू जीरो है, जो सिर्फ दिखने का पावर है और जिसकी ओवरऑल वैल्यू क्या है जीरो है, तो ये किसके होता है, इसके एवरेज वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। ये किसके होती है, आपको याद आ रहा होगा सर हमारे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होती है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होती है। आपको याद होगा पी एवरेज वैल्यू क्या लिखते थे बच्चों, जीरो लिखते थे अपन, इसमें इंडक्टेंस में भी और कैपेसिटेंस में भी जीरो से टी केस पे, ठीक है सर। तो ये हो गया आपका अपेरेंट या के अपेरेंट या मेरा वर्चुअल पावर हुआ, या इसको रिएक्टेंस पावर ही बोलते हैं, क्योंकि इनके रेजिस्टेंस है इतना, नाम क्या है रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका नाम क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इस पावर को रिएक्टिव पावर भी बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दो पावर अपन समझ गए, ट्रू पावर जो दूसरा अपेरेंट पावर, ट्रू पावर जो वर्क करता है और किस में मिलता है आपको रेजिस्टेंस में मिलता है, अपेरेंट पावर जो वर्क नहीं करता जिसकी एवरेज वैल्यू जीरो होती है और किस में मिलता है आपको इंडक्टर और कैपेसिटर मिलता है। सो जो दिखने का पावर है ओवरऑल एवरेज वैल्यू उसकी जीरो है। तो ये दो पावर को पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है। वापस आते हैं बच्चों, देखेंगे आप लोग, ये आ गया पावर फैक्टर। तो ये मैं लिख रहा हूं एवरेज, ई एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस, IRMS cos phi। देखो बच्चों ये होता है रियल पावर, अभी हमने पढ़ा एवरेज वैल्यू जिसकी जीरो नहीं है वो रियल पावर, रियल पावर किसके इक्वल है, ये दोनों मिलकर कौन सा पावर बन रहा है वर्चुअल पावर, वर्चुअल पावर। और ये क्या है बच्चों, ये है पावर फैक्टर। मतलब ऐसा मैं बोल दूं कि रियल पावर आपको निकालना है तो आपको वर्चुअल पावर से पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ यू वांट टू फाइंड आउट रियल पावर यू हैव टू मल्टीप्लाई वर्चुअल पावर विद द पावर फैक्टर। तो क्या होगा डेफिनेशन बच्चों, तो डेफिनेशन होगा पावर फैक्टर की कॉस फाई इज इक्वल टू, इट्स अ रेशियो ऑफ पावर फैक्टर की डेफिनेशन होगी, इट्स अ रेशियो ऑफ रियल पावर टू द अपेरेंट पावर, अपेरेंट पावर, ठीक। ये डेफिनेशन होगा बच्चों, इट्स अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ रियल पावर टू द अपेरेंट पावर, पावर फैक्टर की डेफिनेशन होगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये आपके डेफिनेशन हम नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट थोड़ा सा और देखेंगे पावर फैक्टर के, एक्चुअली दो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला को हमने डील कर लिया, डिस्कस कर लिया, ये रेशियो है रियल का पावर का अपॉन अपेरेंट पावर का। दूसरा स्टूडेंट्स उस सर्किट को देखते हुए अपन एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं cos phi। ये सर्किट आपको याद आ रहा होगा कि एसी कंटेनिंग आरएल का फेज एंगल डायग्राम है, और ये है एसी कंटेनिंग आरएलसी का फर्स्ट केस का फेज एंगल डायग्राम है।
ठीक, तो cos का निकालते हैं, cos का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस क्या है, बेस है vr और हाइपोटेन्यूज क्या है, ERMS, ERMS। तो vr क्या होता है बच्चों, ये होता है IRMS r, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, और यहां क्या हो गया IRMS इनटू रेजिस्टेंस, और कंबाइंड रेजिस्टेंस किसका किसका, R और L का कंबाइंड रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंपेडेंस, जो कि क्या होता है Z, कंबाइंड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये ओवरऑल रिजल्टेंट वैल्यू है वोल्टेज की, ये क्या है सिर्फ रेजिस्टेंस की वोल्टेज वैल्यू है, ये ओवरऑल रिजल्टेंट वैल्यू है। तो यहां पर क्या है बच्चों, E इनटू R, बट R कौन सा होगा, ओवरऑल का होगा, और ओवरऑल मतलब कि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, और दोनों के कंबाइंड रेजिस्टेंस को इंपेडेंस बोलते हैं, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो पावर फैक्टर की एक और डेफिनेशन आ गई, R / Z, ठीक है, R / Z, इट इज अ रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर एंड इंपेडेंस, इंपेडेंस का हो गया कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक। एक और यहां फाइंड आउट कर लेते हैं, मान लो इस केस में फाइंड आउट करना है, तो इस केस में फाइंड आउट कर लेते हैं, cos का क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है बच्चों, ये है बेस vr, और हाइपोटेन्यूज क्या है ERMS, तो vr क्या होगा, ये वही IRMS into r, इसका रेजिस्टेंस होगा, और इसका क्या हो जाएगा IRMS, और इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस, किसका कंबाइंड रेजिस्टेंस, RLC, कंबाइंड रेजिस्टेंस को तो अपन उसी वर्ड से लिखते हैं, कोई से वर्ड से, z, चाहे वो दोनों के बीच का हो चाहे तीनों के बीच का हो, कंबाइंड रेजिस्टेंस z से लिखते हैं, जिसको इंपेडेंस बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, cos का एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज व्हाट r / z, r / z। सो फ्रेंड्स, पावर फैक्टर की दो दो आपके पास फॉर्मूला है, एक है r / z और एक है ये वाला, इट इज द रेशियो ऑफ रियल पावर टू द अपेरेंट पावर, इट इज द रेशियो ऑफ रियल पावर टू द अपेरेंट पावर, ये है फ्रेंड्स, ठीक है, ये दो फॉर्मूला आ गए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये पावर फैक्टर क्या काम करता है, व्हाट इज द यूज ऑफ पावर फैक्टर, यूज ऑफ पावर फैक्टर क्या काम है, अपने डेली लाइफ में पावर फैक्टर का क्या काम है, ठीक है, डेली लाइफ में पावर फैक्टर का क्या काम है, इसको अपन डिस्कस करते हैं। अब आप देखेंगे, ये हो गया आपका घर, ये घर, ठीक, और ये हो गया CSPDCL, ठीक। अपने बिलासपुर में एक ही कंपनी है जो अपने को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, अपने यहाँ और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कुछ कुछ मेट्रो सिटीज में दो तीन ऑप्शन होते हैं, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और कोई प्राइवेट सेक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अपने यहाँ एक ही ऑप्शन है, किसी से इलेक्ट्रिसिटी लेने, मान लो अगर मेरे घर में, ध्यान से समझना सर, यूज ऑफ पावर फैक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में। अगर मान लो मेरे घर में सिर्फ बल्ब है, सिर्फ बल्ब है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता किसी बल्ब से, ठीक है, चलो मान लेते दो मिनट में सिर्फ बल्ब, तो मैं कौन सा पावर लूंगा सीएसपीडी सेल से, मैं लूंगा रियल पावर, रियल पावर जिसमें एवरेज वैल्यू जीरो नहीं होती है, और वो किसमें होता है, रेजिस्टेंस में होता है, क्योंकि बल्ब है इसका मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से रियल पावर ले रहा हूं, और गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके वजह से मीटर लगा देगी, मीटर लगा देगी किलो वाट आवर वाला, और मैं जितना पावर लूंगा उतना पावर का मैं बिल पटाऊंगा, ये आपको पता लगता है। बट साथ में स्टूडेंट्स, आपको पता है जिससे बस बल्ब नहीं होता, अपने घर में फैन भी होते हैं, तो देखो बच्चों फैन लगा दिया मैंने, अब जैसे फैन लगाया था इसका क्या हो गया, इंडक्टेंस आ गया, और इंडक्टेंस के साथ और क्या आ गया, कैपेसिटेंस भी आ गया, सिर्फ बल्ब था तो क्या था, सिर्फ रेजिस्टेंस था, तो अपने को सिर्फ रियल पावर की जरूरत थी। बट जैसे मैंने यहाँ पर फैन लगाया तो मैं गवर्नमेंट से क्या चार्ज करूंगा, भाई मेरे को मैं बोलूंगा मुझे अपेरेंट पावर भी दे, अपेरेंट पावर भी दे, अपेरेंट पावर दे, जिसको अपन वर्चुअल पावर बोलते हैं, जिसको रिएक्टिव पावर दे, क्योंकि भाई इसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी आ गया, बल्ब में सिर्फ रेजिस्टेंस था बच्चों, बल्ब में सिर्फ रेजिस्टेंस था, तो रियल पावर की जरूरत थी। बट जहां फैन चालू कर रहा था अपने को, तो अपने को रियल पावर के साथ साथ, क्योंकि फैन में तीनों चीजें आ गई, रेजिस्टेंस भी आ गया, इंडक्टेंस भी आ गया, और कैपेसिटेंस भी आ गया, मतलब मुझे रियल पावर की जरूरत है क्योंकि रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, तो मुझे कौन सी पावर की जरूरत पड़ेगी, रिएक्टिव पावर, जिसको अपन वर्चुअल पावर बोलते हैं, ठीक।
दे रहा मतलब मैं आपको गवर्नमेंट से ले रही तो गवर्नमेंट दे देगा। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है फ्रेंड्स, अप्रेंट पावर का एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और जो किलो वाट आवर वाला मीटर होता है ये मेजर नहीं कर पाता, सिर्फ एक चीज को मेजर करता है, रियल पावर। तब गवर्नमेंट फर्स्ट आती है, भाई अपन गवर्नमेंट से दोनों पावर ले लें, रियल पावर और अप्रेंट पावर। बट ये मीटर किसको कैलकुलेट कर रहा है, सिर्फ रियल पावर, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती। बट अप्रेंट पावर की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो गवर्नमेंट को खर्चा बढ़ती है, अब वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करे। अब दो ऑप्शन है, या तो अपन ले ना पावर, ये गवर्नमेंट अपन को देना, अगर गवर्नमेंट नहीं देगी तो प्रॉब्लम क्या होगी, अपन ऐसे वाइज वर्क नहीं करा पाएंगे जिसमें कैपिटल इंडक्टर है, तो अपने को जरूरत है। तो दूसरा कंडीशन ये होती है बच्चों कि अब उसके एवज में मीटर तो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है नो डाउट, बट उसके एवज में कुछ गवर्नमेंट अपने से एक्स्ट्रा मनी चार्ज कर दे। और वही एक्स्ट्रा मनी फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, आपके बिजली बिल और कई टाइप के अप्लायंसेस जब आप परचेस करते हो तो उस पर पावर फैक्टर लिखा रहता है, ठीक है। आप लास्ट इस वीडियो के लास्ट में एक फोटो रहेगी, उसको चेक करेगा जितना आपके बिजली बिल में पावर फैक्टर आता है। अब गवर्नमेंट कैसे चार्ज करती है इसको देखेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे चार्ज करती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रियल पावर मीटर कैलकुलेट कर लेगा, बट अप्रेंट पावर क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाया, क्योंकि इसकी एवरेज वैल्यू जीरो है। बट अपने को जरूरत है तो गवर्नमेंट अप्रेंट पावर दे रही है, इसके एवरेज में अपने से कुछ रेवेन्यू जनरेट करवाती है, कुछ पैसे लेती है। कैसे लेती है, देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ गवर्नमेंट के पास एक स्लैब है, कैसा स्लैब है देखिए, पावर फैक्टर अगर ये आपका पावर फैक्टर मान लो ठीक है 90 से 100% है, तो गवर्नमेंट कोई चार्ज नहीं लेती, नो एक्स्ट्रा चार्ज, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती। बट अगर पावर फैक्टर 81 से 89% है, पावर फैक्टर 81 से 89% है, तो गवर्नमेंट को चार्ज करेगी। मुझे वो स्लैब कंफर्म नहीं है, स्लैब बदलते रहती है, अभी अपन मान लेते हैं 2%, इसका मतलब है जो भी बिजली बिल आएगा आपका, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा उसका 2% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये मीटर मेजर नहीं कर पा रहा है। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप आपकी, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी बच्चों आपको कौन सी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, 81 से 89 होगी मान लो 70 से, ठीक है, ये हो जाएगा 71 से, ठीक है, आपके आपके यहाँ पर 80%, ये हो गया आपका 4%, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो गवर्नमेंट अपने से अप्रेंट पावर के देने के एवज में उसके बिहाफ में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करती है। मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, आप बहुत अच्छे एग्जांपल समझोगे, याद रखिए। जस्ट लाइक दो घर है, दो ने इसको तीन ले लेते हैं, तीन घर ले लेते हैं, ये तीन घर ले लिया बच्चों ने, इस घर में सिर्फ बल्ब, इस घर में बल्ब और एक फैन, इस घर में तीन फैन और बल्ब, ठीक, ध्यान दीजिए, तीनों घर में कौन से घर को रियल पावर की जरूरत होगी। आप बोलोगे सर रियल पावर कौन से घर में जरूरत होगी, भाई रियल पावर इसको जरूरत होगी, ठीक है, बल्ब का रेजिस्टेंस इसमें, हाँ इसमें जरूरत पड़ेगी, इसमें फैन है और बल्ब भी है इसमें भी, अगर सिर्फ फैन भी होता तो भी रियल पावर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फैन में तीनों चीज आ जाता है, ए आर एल सी, तो आर है मतलब रियल पावर की जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब दूसरी बात आती है अप्रेंट पावर किसको इसको जरूरत पड़ेगी, अप्रेंट पावर क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बल्ब है जिसको जरूरत नहीं है, इसको है जरूरत क्योंकि फैन में इंडक्टर और कैपेसिटर आ गया, इसको इसको भी जरूरत है क्योंकि फैन में इंडक्टर और कैपेसिटर आ गया, ठीक, ये आ गया बच्चों। अब क्या होगा, मान लो कोई मंथ में ठीक है इसने 500 यूनिट यूज किया, इसने भी 500 यूनिट यूज किया और इसने भी 500 यूनिट यूज किया, नो डाउट यहां पर फैन ज्यादा है, आपको मन में डाउट हो रहा होगा कि सर ये फैन ज्यादा है या पर फैन कम है, तो ये दो तीनों का रीडिंग एक जैसे कैसे हो गई, तो सर मान लेते हैं कि वो तीनों की रीडिंग एक ही है, ठीक है 500 हो सकता है कम यूज किया हो, भले फैन ज्यादा है आपका तीन फैन है बट कम यूज किया हो, कम टाइम के लिए यूज किया हो, तो यूनिट सेल लेते पर कि 500 यूनिट्स के इसके यहाँ नीचे ना, इसके यहाँ नीचे ना और इसके यहाँ नीचे, ठीक।
अब ये मान लेते हैं कि एक यूनिट की कीमत पांच रुपए, एक यूनिट की कीमत कितना है पांच रुपए। वैसे तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है एक यूनिट की कीमत पांच रुपए, ऐसा नहीं होता है, वो स्लैब सिस्टम होता है कि जीरो से लेकर सौ यूनिट तक का इतना रुपए है, फिर 100 से लेकर 200 यूनिट तक इतना रुपए है, फिर 200 से लेकर 400 यूनिट तक इतना रुपए, ऐसे स्लैब चलता है। बट मैं अभी अंतिम कर लेता हूं कि हर एक यूनिट का कितना कीमत है पांच रुपए। तो स्टूडेंट कितना हो गया इसका, इसका हो गया 2500, इसका कितना हो गया 2500 और इसका कितना हो गया 2500। ठीक, तीनों का मेन एक्सेस लेवल 2500 और 2500। बट इसके में कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, आप देखेंगे मीटर में एक एक्स्ट्रा चार्ज आता है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। ठीक, तो इसको 2500 पे करना है, इसके में एक्स्ट्रा चार्ज आएगा वो स्लैब के हिसाब से आएगा, हो सकता है ठीक है उसको एक्स्ट्रा चार्ज ठीक है इस स्लैब में आ जाए, इस स्लैब में आ जाए 2%, तो 2500 का 2% उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है, और हो सकता है अगर इस स्लैब में भी आ जाए ठीक है। गवर्नमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि किसी भी घर में सिर्फ बल्ब से काम नहीं चल सकता, एक या दो फैन होता ही है, मतलब कि आपको अपग्रेड पावर की जरूरत पड़ेगी, तो 90% की स्लैब रखी है 90-100, अगर आप थोड़ा सा भी अपग्रेड पावर यूज करते हो तो आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं, अगर थोड़ा सा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप अपग्रेड पावर ज्यादा यूज करते हो, आप ज्यादा तब यूज करोगे जब आपके घर में ऐसे डिवाइस ज्यादा होंगे जिसके इंडक्टर और कैपेसिटर है, जस्ट लाइक फैन, जस्ट लाइक कूलर, तब ज्यादा यूज करते हो तो आपको फिर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा चार्ज सब पढ़ा हुआ बच्चे, ये हो गया एक्स्ट्रा चार्ज। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये यूज किया है कि 2% को यूज देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये हो गया इसका 2%, ये 2% को देना पड़ेगा, तो 2500 का 2% कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया 20-40-50, इसको 50 का एक्स्ट्रा, मतलब इसका इलेक्ट्रिसिटी कितना आ गया 2.5, इसको इतना पे करना है। अब इसमें तो बहुत ज्यादा यूज किया क्योंकि इसके अंदर क्या है, भले टाइम सेम है, भले इलेक्ट्रिसिटी भी सेम है, बट इसके यहाँ कितना फैन है, तीन फैन मतलब कि इसने अपेरेंट पावर ज्यादा यूज किया। अब अपेरेंट पावर ज्यादा यूज किया तो इसकी स्लैब बढ़ गई, किस पे चले गया 4% चले गया, तो 4% चले गया तो कितना आ गया इसका वैल्यू, इसको 100 रुपए से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 2500 का 4% निकाल लेंगे 100 रुपए को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ गया 2600। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की पावर फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में स्टूडेंट्स एक मैं फोटो अटैच करूंगा जिसमें कि मीटर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है उसमें आप देखेंगे कि पावर फैक्टर रेंज रहता है, और उसमें ये भी ध्यान देंगे कि अगर 0.86 लिखा है इसका मतलब 86% है, 0.83 लिखा है इसका मतलब 83% है, 0.95 लिखा है इसका मतलब 95% है। तो पावर फैक्टर एक लेवल है, बोल दो एक लेवल है जो गवर्नमेंट अपने से सरचार्ज के रूप में लेती है। क्यों लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपेरेंट पावर वर्चुअल पावर को मेजर नहीं कर पा रही है, वो सिर्फ ट्रू पावर को मेजर कर पा रही है, जो मीटर लगा हुआ है अपने यहां किलोवाट आवर वाला मीटर लगा हुआ है वो सिर्फ ट्रू पावर को मेजर करता है, बट अपने को जरूरत अपेरेंट पावर की भी है, ट्रू पावर के साथ साथ अपेरेंट पावर की जरूरत है। अब गवर्नमेंट उसके खर्चा तो कर रही है, इंस्टॉलेशन कर रही है, बहुत सारे वर्कआउट कर रही है, भले उसकी एवरेज वैल्यू जीरो होने के कारण उसको मीटर मेजर नहीं कर पा रहा है, बट उसका इंस्टॉलेशन चार्ज, उसके आदमी काम कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना चार्ज लेगी ना, तो उसके लिए टेबल बना लेंगे कि हाँ भाई पावर फैक्टर कितना आएगा, जितना पैसा देना है आपको इतना आएगा, कितना देना है इस तरह का, जिससे मैंने आपको टेबल डिस्कस किया। हाँ, टेबल कुछ अलग हो सकता है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स अलग है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर रखा हूं। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए कि पावर फैक्टर होता क्या है, दो फॉर्मूला आपने समझा पावर फैक्टर का, पहला तो होता है इट्स अ रेशियो ऑफ ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर, और दूसरा फॉर्मूला आपने देखा कि पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाय जेड होता है, पावर फैक्टर क्या होता है आर बाय जेड। एक और अच्छी चीज है स्टूडेंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, आप देखिए यहां पर पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है पी एवरेज, ये कंक्लूजन में डिस्कस करूंगा, ये टॉपिक खत्म हो चुका है अपना, एक कंक्लूजन पावर फैक्टर का फॉर्मूला पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस I RMS cos phi। देखो AC containing, ठीक है ओनली R, phi कितना होता है ओनली R में, आप बोलोगे सर phi से जीरो होता है, phi कितना होता है जीरो, और phi जीरो होगा तो फेज एंगल जीरो होगा, तो cos phi की वैल्यू कितनी होगी, cos zero equal to one, तो आपका आंसर आ गया बच्चों P average is equal to E RMS I RMS। डायरेक्ट आंसर सेकंड, एसी कंटेनिंग एल,
और एल में तो फाइव वैल्यू कितनी होती है सर 90 डिग्री फाइव वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री एसी के लिए एल में क्या होता है वोल्टेज डीप करता है करंट से वोल्टेज डीप करता है तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों इट्स अ जीरो तो पीआर का कितना हो गया जीरो अब लास्ट है एसी के लिए वर्किंग कैपेसिटेंस इसमें भी फाइव वैल्यू कितनी होती है 90 तो cos 90 कितना हो गया जीरो तो इसकी भी एवरेज पावर कितना होता है स्टैंड जीरो तो आप देख सकते हैं बच्चों सिर्फ एवरेज पावर का आंसर रेजिस्टर में है ना ही इंडक्टर में है ना ही कैपेसिटर में है जहां पर इसका एंड करेंगे बच्चों पावर फैक्टर आपने समझ किया और साथ ही साथ में आपने इसका यूज भी समझ लिया कैसे यूज करती है कोई भी कंपनी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनी कैसे इसका पावर फैक्टर यूज करती है थैंक यू ये आप देख सकते हो मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है इसमें पावर फैक्टर 0.86 है जूम करके देखेंगे वीडियो को पॉज करके 86 का मतलब होता है 86% और 86% के हिसाब से मुझे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगा है 201 रुपये के आसपास का अब ध्यान से देखेंगे और साथ ही में अब ये वीडियो फोटो आ गई है एक बल्ब की इस बल्ब में आप देख रहे होगे पावर फैक्टर 90% से ऊपर है इसका मतलब है कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं इसलिए अपने को ऐसे अप्लायंसेस परचेस करना चाहिए जिसका पावर फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हो ओके तो उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा थैंक यू